नए साल में टेलीकॉम क्षेत्र में क्या खास होने जाएगा? साल 2024 टेलीकॉम ग्राहकों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। सबसे पहले तो उन्हें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। स्टारलिंक और वनवेब जैसी कंपनियां अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत करेंगी। अब से पेपरलेस फॉर्म पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्राहकों को कनेक्शन लेने के लिए डिजिटल फॉर्म पर ही आवेदन करना पड़ेगा। सरकार जल्दी से पूरी तरह से बायोमेट्रिक से लिंक करने की तैयारी भी कर रही है। उसके बाद जब तक आप अपना बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तब तक आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। ग्राहकों की जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर सुनवाई काफी आसान होगी। सरकार ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की तैयारी कर रही है। ग्राहक इस पर शिकायत करेंगे और उनकी शिकायत आसानी से दूर की जा सकेगी। इसके साथ साथ 5G सेवाएं गांवों तक पहुंचेंगी। अभी कंपनियों की सेवाएं सिर्फ शहरों तक लिमिटेड है। 10 करोड़ ग्राहक ऑलरेडी 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जल्दी इस साल के अंत तक करीब 25 करोड़ लोग 5G सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, सरकारी कंपनी BSNL भी अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत करेगी और उस साल के अंत तक पूरे देश के अंदर 4G सेवाएं BSNL की मिल सकती है। इसके साथ साथ सरकार टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की शुरुआत करेगी। टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट्स के लिए स्पेक्ट्रम ले सकती है, 6G GHz स्पेक्ट्रम ले सकती है और अपनी सेवाओं को सुधार सकती है। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी साल एक्साइटेड रहने वाला है। 2024 कई नई सेवाओं का फायदा टेलीकॉम ग्राहक उठा सकेंगे।